है सर। पार्टी तो अंदर हॉल में थी, यहाँ टेरेस पे क्यों? अब जो हो गया सो हो गया सर, आप प्लीज नाराज मत होइए। वैसे भी देखिए मीडिया वाले और टीवी वाले सब आए हुए हैं सर, अगर इन्होंने बात उछाल दी तो हमारी लॉन्च पार्टी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। क्या खास लॉन्च पार्टी होगी यहाँ पे? टेरेस पे। मैनेजिंग डिपार्टमेंट वाले का है, सबकी खबर लूंगा। एक टाइम कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए फिर देखना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर आप नाराज मत होइए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो नीचे हॉल में छत से पानी टपक रहा है। हॉल में छत से पानी टपक रहा है? हाँ सर। और ये बात मुझे आप बता रहे हो? सर मीडिया वाले सब देख रहे हैं सर, आप नाराज मत होइए, बिन से तो हम बाद में निपट लेंगे। जो करना है वो करने दो। और ये पोडियम इतना ऊंचा क्यों है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे ऊंचे पोडियम नहीं पसंद। सर ये मैनेजर की गलती है, मैंने तो उसको डिजाइन भी दे दी थी सर। लेकिन आप चिंता मत करिए सर, मैं एक पैसा नहीं दूंगा इन लोगों को, सबको देख लूंगा सर। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है क्योंकि आज हमारी कंपनी सोलिन कम्युनिकेशन एक नया कार्ड लॉन्च करने जा रही है। सर कार्ड का नाम क्या रखा है? वरदान, क्योंकि इसमें इतने फायदे हैं कि ये किसी वरदान से कम नहीं है। सर ये वरदान वरदान ही होगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? सर क्या हुआ? सर संभालिए अपने आप को। सर क्या हुआ आपको? सर कुछ तो हुआ, इन्हें शायद हार्ट अटैक आया है। सर कुछ तो बोलिए। सर कुछ बोलिए। सर तो नहीं रहे। पीछे से निकल रहा है, काफी खून बह गया है। यहाँ पे कुछ है? अच्छा जरा कॉटन देना, पानी थोड़ा स्प्रे करके देना। जरा संभल के साफ करना, दे कहीं एविडेंस साफ ना हो जाए। पत्थर है, आधा अंदर घुसा हुआ है। सर जब ये गिरे तो सिर्फ जमीन पर था और तभी पत्थर अंदर गया होगा। आपके कहने का मतलब ये है कि पत्थर जमीन पर सीधा खड़ा था और जब ये गिरे तो पत्थर इनके अंदर घुस गया है? कमाल है, इतना बड़ा पत्थर क्या किसी की नजर में नहीं आया? तो जिस तरह से पत्थर अंदर घुसा है ऐसा लगता नहीं कि गिरने से गया है, काफी फोर्स से अंदर घुसा है पत्थर। बात बताओ, जब ये स्टेज पर पोडियम पर खड़े थे तब इनका चेहरा किस तरफ था? सर प्रेस वालों से बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि अचानक सर का चेहरा अजीब सा हो गया और वो अचानक गिर गए। तो मैंने पूछा कि इनका चेहरा किस तरफ था, कौन से दिशा में? इस तरफ था। इस तरफ? जी सर। इनका चेहरा इस तरफ था? जी सर। जी तो अगर इनका चेहरा इस तरफ था और पत्थर जमीन में से नहीं आया तो फिर ये पत्थर यहीं कहीं से आया होगा। अच्छा जरा एक व्हाट्सएप ला दो। यस। दया, ये पत्थर यहीं कहीं से किसी बिल्डिंग की खिड़कियां टेरेस में से आया है। सर जिस तरह से वो पत्थर अंदर घुसा है, आधा अंदर, किसी ने जबरदस्त फोर्स के साथ फेंका होगा सर। वही तो, और जिस फोर्स से वो घुसा है हाथ से फेंकना मुश्किल है। हाँ सर, और निशाना भी बराबर लगा है। तो सर गुलेल या लाठीपल से ही मारा हो? सर काफी नुकीला पत्थर है, ऐसा लगता है खून करने के लिए ही बनाया गया है। ये सब प्लान लगता है सर, ये पत्थर किसी ने जानबूझकर बनाया है इसे मारने के लिए।
ये खून ही है, खून ही है। और एक बात सर, ये जो पोडियम है सर, इतना ऊंचा पोडियम क्यों बनाया गया? सर, ये काम किसी रिजॉर्ट के आदमी का ही है। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर, पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नीचे हॉल में होनी थी, अचानक वहाँ से कैंसिल करके यहाँ टेरेस पे रख दिया। क्यों? कैंसिल करके ऊपर क्यों रखे? अब सर, ये चीज आप इन्हीं लोगों से पूछिए, यही लोग जानते हैं सर। यहाँ का मैनेजर कौन है? जरा बुलाओ उसे। जी बुलाता हूँ सर। और सर, ये पोडियम की ऊंचाई भी इन्हीं लोगों ने ऊपर की है, जबकि संजय सर तो चाहते थे कि ऊंचाई ज्यादा नहीं हो। नहीं सर, हटिए सर। सर, मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। किसने किया ये सर? ये जगह क्यों बदल दी गई अचानक? सर, इसमें मैं क्या करता, वो कॉन्फ्रेंस हॉल की छत से अचानक पानी टपकने लगा, इसलिए सर जगह बदलनी पड़ गई। अच्छा, स्टेज की हाइट किसने बढ़ाई? सर, ये सब तो पायल मैडम देखती हैं, उन्होंने करवाई थी। ये पायल मैडम कौन है? जी, हमारी एग्जीक्यूटिव सर, उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थर मारने के लिए ही नीचे से कॉन्फ्रेंस ऊपर छत पे शिफ्ट किया हो, ताकि आसानी से पत्थर फेंका जा सके? क्या मालूम सर। सर, अगर हॉल में पानी नहीं टपकता तो हम यहाँ टेरेस पे क्यों आते? ठीक है, दिखा कहाँ कहाँ पानी टपक रहा, दिखा। सर, वो पायल फोन नहीं उठा रही है। मैंने उनके मोबाइल भी ट्राई किया और घर पे भी, शायद रास्ते में होंगी। रास्ते में होगी मतलब? हाँ सर, वो उन्हें 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था ना, उनकी फ्लाइट है। फ्लाइट? हाँ सर, वो बाहर जा रही हैं। बाहर जा रही है? कहाँ जा रही है? सर, वो कुछ दिल्ली जाने की बात कर रही थी। दिल्ली जा रही है ऐसे या किसी काम से? ये मुझे क्या पता सर, मुझे तो इतना पता है कि 7-8 दिन पहले उन्होंने छुट्टी का एप्लीकेशन दिया था और अपना अपना ई टिकट भी यहीं से बुक करा था, यहीं ऑफिस के कंप्यूटर से। अरे, इतना सारा पानी कहां से आया होगा? सब कुछ तो ठीक ठाक, पानी कहां से टपक रहा है? विवेक, इधर आओ। यस सर। चेक करो कहां से पानी टपक रहा है। एक मिनट सर। सर, नीचे देखिए सर, थोड़ा और नीचे प्लीज सर, थोड़ा और सर, नीचे देखिए सर प्लीज। यहां से पानी टपक रहा है, मुझे मालूम था, वॉल भी गायब है। सर, ये लीकेज है ना लीकेज, ये जानबूझ के किया गया है। जानबूझ के कैसे? फ्लश टैंक का वॉल गायब कर दिया गया है और बाथरूम से पानी बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। क्या? हाँ सर, और ये पायल है ना, गड़बड़ है सर, उसे मालूम था कि पानी टपक रहा है, फिर भी उसने प्लम्बर को नहीं बुलाया। इसका मतलब सर, ये एक सोची समझी साजिश है संजय को मारने के लिए। मगर सर, इस रिसोर्ट में काम करने वाली एक औरत संजय को मारेगी क्यों और कैसे? ये भी तो हो सकता है दया, कि ये काम पायल से किसी ने करवाया हो। सर, हमें जल्द से जल्द इस पायल को रोकना चाहिए, अभी भी वक्त है, सिर्फ एक ही बच रहा है। तो अच्छा काम करो, होटल से पायल की ई टिकट का प्रिंट आउट निकालो और डिटेल्स पता करो। यस। दया, अभिजीत, तुम लोग एयरपोर्ट जाओ और इस पायल को उठाओ। सर, दिल्ली जा रही है, जाएगी कैसे ये दिल्ली?
फ्लाइट 3102 मुंबई दुबई आर रिक्वेस्टेड टू 3 बजे की फ्लाइट बोली थी ना उस रिसॉर्ट मैनेजर ने क्विक एयरवेज ये काउंटर एक्सक्यूज मी मैम प्लीज लाइन से आइए मैडम मालूम है लाइन से आना चाहिए पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसी की जान को खतरा है जान को खतरा कौन है आप द फ्लाइट फ्रॉम बैंगलोर लेकिन हम लोग सीआईडी से और एक खूनी का पीछा करते करते यहाँ तक आए यहाँ पर खूनी है यहीं कहीं हमें डर है वो यहाँ पे किसी को नुकसान ना पहुँचा दे कौन है सर वो देखो एक लड़की है उसका नाम पायल है वो आपके एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर A453B से दिल्ली जा रही है हमें ये पता करना है कि उसने फ्लाइट में चेक इन किया है या नहीं एक मिनट मैं चेक करके बताऊं पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू बोर्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई यात्रियों से निवेदन है कि वो इमिग्रेशन चेक इन कर हाँ सर वो चेक इन कर चुकी है वो सीट नंबर 5G पे बैठी है अच्छा ठीक है हम लोग भी बैठ जाते हैं वेलकम मैम सेकेंड लेन सेकेंड सीट थैंक यू यू आर वेलकम सर थर्ड लाइन सेकेंड सीट वेलकम सर थर्ड लाइन फर्स्ट सीट गो स्ट्रेट ये वही है मुझे भी वही लग रहा है काफी टेंशन में है शायद किसी का इंतजार कर रही हो ना हो इस खेल का मास्टरमाइंड भी आ रहा है तभी वो बार बार ऊपर नीचे देख रही है उसी के लिए तो बैठे हैं हम लोग ऐसे भी सबको एसएमएस कर देता हूँ उन्होंने पता तो चले कि हम लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं एसएमएस करो कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं पायल के साथ पायल मिल गई है यात्री कृपया ध्यान दें मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा हम 1 घंटा 50 मिनट में पूरी करेंगे सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने अपने मोबाइल्स और लैपटॉप स्विच ऑफ कर दें और अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें वी एश्योर यू अ सेफ जर्नी थैंक यू अरे ये दोनों वहां क्या करने चले गए क्या हुआ सर किसकी बात कर रहे हैं आप अभिजीत और दया मैसेज आया कि वो फ्लाइट में और उनसे बात नहीं हो सकती अरे ये अभिजीत सर और दया सर फ्लाइट में क्या करने गए नहीं 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 प्लीज जरूर कुछ ना कुछ होगा जरूर कुछ तो बात होगी अच्छा ये विवेक और ताशा का है ये लो नाम लिया और शैतान हाजिर आइए सर ये लोग संजय की ऑफिस में काम करते थे इनसे कुछ पता चला है सर अच्छा बोलिए अरे डरो नहीं जो भी जानकारी है बता दो छोटी सी छोटी बात से भी मदद मिल सकती है बताओ कुछ नहीं होगा आप लोगों को प्लीज बताइए वो सर वैसे तो संजय सर बहुत अच्छे थे उनका कोई दुश्मन भी नहीं था मगर क्या देखिए आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है आप लोग हमें बता सकते हैं मगर वो संजय सर की पुरानी पत्नी मेरा मतलब है कि पहली पत्नी रुमा मैडम संजय सर से बहुत ही नफरत करती थी उनसे खुन्नस खाती थी एक मिनट क्या कहा आपने इस संजय की कोई पुरानी पत्नी भी है हाँ सर तो क्या ये सब उस पुरानी पत्नी का किया हुआ है, है? अच्छा और क्या मालूम है आपको सर रोमा मैडम कई बार उन्हें धमकाती भी थी और कई बार उनका ऑफिस में झगड़ा भी होता था पैसों को लेकर सर ओ पैसों को लेकर बस
सालुंके, आप लोग जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे. थैंक यू वेरी मच. विवेक जरा इन्हें बाहर छोड़ा. यस सर, चलिए प्लीज. हाँ सालुंके, क्या क्या खबर है? खबर बहुत गर्म है बस. अभिजीत सर यहाँ पे नहीं है, वो इस वक्त फ्लाइट में. फ्लाइट में? अब मेरा मतलब है, मैं तो वो ऐसे ही देख रही थी ब्यूरो को. वो एक्चुअली बहुत दिन बाद आना हुआ ना. अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ बदला बदला सा लग रहा है ब्यूरो. मेडिक्स, मैं यहाँ काम से आया हूँ. सॉरी बॉस. संजय की मौत हाइंड ब्रेन में पत्थर टकराने की वजह से हुई है. खूनी को अच्छी तरह से पता है कि पत्थर कहाँ मारना चाहिए और कहाँ नहीं मारना चाहिए. और सर, ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है. हमने इसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में चेक किया है. इस पत्थर की कटिंग, इसकी चारों तरफ की बनावट और इसका नुकीलापन, ये सब बनवाया गया है. मतलब किसी ने खून करने के लिए जानबूझकर बनाया. जी हाँ. और ये पत्थर किसी आम आदमी ने नहीं बनाया बॉस. जिस किसी ने भी इस पत्थर को बनाया वो अपने काम में बहुत उस्ताद है, एकदम एक्सपर्ट. सर ये पत्थर किसी स्पेशल दुकान में बनवाया गया है. फ्री काम करो, पता करो ये पत्थर किस दुकान में बना है. यस सर. कुछ ही देर में आप लोगों की सेवा में पानी और जूस पेश किया जाएगा. धन्यवाद. सर आप क्या लेंगे? वाटर और जूस? सर आप? थैंक यू सर. तक तो कोई आया नहीं है मिलने. लगता है अकेली है. अकेली है मतलब इसे ने की है सारी गड़बड़. नो थैंक्स. आप लेंगे? कोल्ड ड्रिंक्स नॉट देयर? नो नो थैंक्स. से उठ भी नहीं रही है और ना ही किसे मिल रही है. लगता है सर हवा का प्रेशर कम हो गया इसलिए ये सांस नहीं ले पा रही है. प्रेशर बिल्कुल ठीक है. आप लोगों को तो कुछ नहीं हुआ है. चलिए आप लोग एक तरफ बैठ जाइए. आप लोग बैठ जाइए प्लीज. यहाँ पे भीड़ मत करिए. बैठ जाइए सब लोग. हम लोगों में से कोई डॉक्टर नहीं है. बैठ जाइए सर. आप भी बैठ जाइए सर. दया चेक करो जरा पीछे आइए. अभिजीत जी जिंदा नहीं है. शी इज डेड. चलिए आप लोग बैठ जाइए प्लीज. आप लोग बैठ जाइए. बैठिए सर. आप प्लीज बैठ जाइए. आप लोग बैठ जाइए. नहीं मैडम, हम लोग बाद में बैठेंगे. पहले ये पता करना जरूरी है कि इसकी मौत हुई कैसे. सर ये काम सीआईडी का है. देखिए हम लोग सीआईडी से एक खून की तहकीकात कर रहे थे और इस लड़की का पीछा कर रहे थे हम लोग. आप जरा मदद करिए प्लीज. उठाइए इसे. एक मिनट संभाल के. मैं आपका कैप्टन सोहन सिंह हूँ. हवा का प्रेशर कम होने की वजह से ये मैडम सांस नहीं ले पा रही है. पैसेंजर से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं और सीआईडी को अपना काम करने दें. थैंक यू.
अभिजीत, ये देखो टिकट फिल्म के। पायल होटल में से निकलने के बाद और फ्लाइट पकड़ने से पहले फिल्म देखने गए थे किसी के साथ में। वो तो ठीक है दया, इसकी मौत जहर से हुई है। हमारी आंखों के सामने किसी ने जहर खिला दिया, झाग निकल रहा है मुझसे। जहर? हाँ, ये देखो। तुमने अभी अभी पानी पिलाया था ना इसे? हाँ, पिलाया था ना? जी जी सर। कुछ मिला तो नहीं दिया तुमने पानी में? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ पानी दिया था। सब लोग चिल्ला रहे थे पानी दो पानी दो। इसने पानी के अलावा ना तो यहाँ पे कुछ खाया है ना पिया है, और वही पानी पिया जो आपने दिया था। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इसे पानी दिया था। आपको विश्वास नहीं होता ना, इसने यही पानी पिया था जिसे मैं पी जाती हूँ। गोपी देखो तो दरवाजे पे कौन है। गोपी, गोपी कहाँ मर गया? उस काम के टाइम पे गायब हो जाते हैं। अगर घर का सारा काम मुझे ही करना है तो इन्हें रख के क्या फायदा? एक तो मुझे मीटिंग के लिए भी देर हो रही है और पता नहीं कहाँ गायब है। जी कहिए, क्या काम है? काम तो बहुत कुछ है, लेकिन आप कौन है? कमाल है, मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जी मेरा नाम रोमा है और मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी मीटिंग है किसी के साथ। अरे मीटिंग तो अब शायद हो नहीं पाएगी रोमा जी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोग CID से और एक खून के मामले में आपको गिरफ्तार करने आए हैं। CID और खून? हाँ खून किया है आपने। मैंने किसी का खून नहीं किया। आपने तो अपने पहले पति संजय को ऊपर ही पहुंचा दिया है? क्या संजय का खून हो गया? हाँ, और आप ही ने किया है खून। अगर मैं संजय का खून क्यों करूंगी? ये तो आप ही बता सकती हैं। देखिए मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने उसका खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया? मुझे क्या मालूम। रोमा जी, संजय के ऑफिस के स्टाफ का कहना है कि संजय का खून आपने किया है। वैसे आप और संजय के बीच में कुछ झगड़ा था ना? सर ये बात सच है कि मेरा संजय के साथ झगड़ा चल रहा था और मैं उसे कोर्ट तक घसीटने वाली थी, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि छोड़ो, ये सब करके क्या फायदा। क्यों? बस ऐसे ही मैंने अपना इरादा बदल दिया। नहीं नहीं मैडम, कुछ तो बात होगी ना इरादा बदलने की। मैंने आपसे कहा ना बस ऐसे ही। नहीं, ऐसे ही नहीं, ऐसे। संजय का इंश्योरेंस, रोमा जी संजय के मरने के बाद इंश्योरेंस का सारा पैसा तुम्हें मिल जाता, और इसीलिए तुमने सोचा कि अगर तुम संजय को कोर्ट में घसीटती तो कानून की नजरों में तुम दोनों पति पत्नी नहीं रहते। नतीजा इंश्योरेंस का पैसा तुम्हें नहीं मिलता। ये सब बकवास है। तो फिर बकवास क्या नहीं है? मिस रोमा, आपका फोन बज रहा है। हाँ, एक्सक्यूज मी। हेलो, मैंने कहा ना मुझे तंग मत करो, तुम्हारे पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा ना पैसे पहुंच जाएंगे। फोन रखो। पता करिए फोन किसने किया है। अब तो आपको यकीन हुआ ना कि मैंने कुछ नहीं किया है? अगर इसमें जहर होता तो मैं भी मर जाती। अरे क्या पागलपन है, इसमें वाकई जहर होता तो हमें फंसवा देती। मैं क्या करती, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। ठीक है, अगर पानी में जहर नहीं था तो फिर जहर यहाँ आया कैसे? सर लेकिन हमने भी इन्हें कुछ खाते पीते नहीं देखा। अच्छा,
एक काम करते हैं, सारों के साहब को फोन करके बताते हैं यहाँ के बारे में, और यहाँ से तो सिर्फ सैटेलाइट फोन से ही बात हो सकती है। आप जरा पायलट से बात कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं यहाँ से बात करना मना है। प्लेन से पैसेंजर्स बात नहीं कर सकते, पर पायलट तो कर सकते ना, प्लीज आइए सर मेरे साथ चलिए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट इट्स एन इमरजेंसी, हम लोगों को हेडक्वार्टर्स कॉन्टेक्ट करना है फॉरेंसिक लैब में, यहाँ एक लड़की का खून हुआ है प्लेन में। हाँ खूनी शायद अभी भी यहीं पर है, प्लीज। हाँ दया बोलो, क्या एरोप्लेन में मौत? व्हाट? पानी पीने के फौरन बाद खून की उल्टी हुई? अच्छा हाँ ओके 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 ओके। नहीं दया, इस लड़की की क्या नाम बताया तुमने? पायल। हाँ ये पायल की मौत रिएक्शनरी जहर की वजह से हुई है बस। हाँ दया रिएक्शनरी जहर। देखो हुआ ये होगा कि लड़की के होठों पर पहले से जहर लगा हुआ, लड़की ने जैसे ही पानी पिया होठों पर लगा हुआ जहर पानी के साथ घुल करके उसके पेट में चला गया और लड़की फौरन मर गई। यस बॉस, यस जहर पानी के वजह से पेट में गया है और लड़की की डेथ हुई है। या ओके हाँ ठीक है। क्या कह रहे हो? व्हाट? मूवी टिकट मिले? अच्छा 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 ओके या बाय या सी यू। क्या हुआ सर? अरे तारिका एक लड़की की डेथ हो गई एरोप्लेन में पानी पीने की वजह से। होठों पे जहर था? लेकिन सर होठों पे जहर आया कैसे? यही तो ढूंढना उन दोनों को वहां पर। जी मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। हाँ प्लीज जल्दी पता करके बताइए। जिस लड़की को फोन आया था उसका नाम है रोमा और उसका नंबर है 1049-32033। जी 32033। उसे ठीक 10:30 बजे फोन आया था। देखिए जल्दी बताइए कि उस लड़की को कहाँ से फोन आया था। हाँ हमारा फैक्स नंबर है 1592004। जी प्लीज जल्दी बताइए। थैंक यू सर। थोड़ी देर में बताएंगे कि रोमा को फोन कहाँ से आया था। ये काम तो फ्रेडी ने करना चाहिए था, अब तक तो उसे पता लगना चाहिए था कि फोन किया है किसने उसे। ऊपर से अभिजीत और दया कुछ भी फोन नहीं कर रहे, कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे बताने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पर। सब प्लेन से तो फोन करना भी मुश्किल है। आई नो इतना चार मालूम है मुझे, लेकिन अगर एयर होस्टेस से बात करते या फिर जाकर के पायलट से कहते कि हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हमें हमारे हेडक्वार्टर से बात करनी है, तो सब कुछ हो जाता था। सर चंदू खबरी ने मुंह खोल लिया है। क्या कहा उसने? सर वो कह रहा है कि इस तरह का पत्थर और आदमी मारदा मार्केट में मिलेंगे सर, वो पत्थर वहीं से आया होगा सर। मारदा मार्केट? यस सर। काम करो रेडियो को खबर कर दो, बताओ कहां पर मिलेगा वो पत्थर, धक्के खाते घूम रहा है वो मार्केट में। यस सर। सर उस जगह का पता चल गया जहां से रोमा को फोन आया था। कहां से आया था? सखार के किसी बॉडी एंड बॉडी जिम में से फोन आया था। लैंडलाइन का नंबर है? यस सर। चलो इस बॉडी एंड बॉडी जिम में जाते हैं। किसी के बैग में कुछ मिला तो नहीं है? इसमें भी नहीं है। काम करते हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं सबको चेक करते हैं। एक्सक्यूज मी, देखिए हमें आप लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी, इसलिए प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। सुनिए ये बात ठीक नहीं है आप लोगों की, हमने क्या किया है? क्या ठीक है और क्या नहीं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह बिना बात का परेशान करना ठीक नहीं है आपका। देख खून हुआ यहाँ पे, आप कह रहे हो बिना बात के? सबके सामने देखते देखते लड़की जहर से मर गई, पूरी यहीं पे ऐसी प्लेन में। आप एक काम करिए, आप इस तरफ की सारी लेडीज को चेक करिए, और आप तलाशी लीजिए प्लीज। आप इस तरफ की लेडीज को चेक करिए प्लीज। या
शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभिजीत, किसी के पास भी कुछ मिला नहीं तो दो ही जगह बचती है, एक टॉयलेट और दूसरा जहाँ खाने पीने का सामान रखते हैं पेंट्री कार है। तो तुम टॉयलेट चेक करो, मैं पेंट्री कार देखता हूँ। गिला हुआ है वहां वहां पे हरे रंग का निशान और लाल भी लगा हुआ है। इससे कोई ऐसी जहरीली गैस निकलती है पानी लगने से। खूनी ने किसी ऐसे चीज पे जहर लगाया होगा जो पायल के मुंह तक जा सके, और जैसे ही जहर पायल के मुंह में गया उसने वो पानी पी लिया और जहर अपना असर कर गया। अभिजीत, ये टिश्यू पेपर मिला टॉयलेट में से, इसमें जहर लगा हुआ है। ऐसा लगता है खूनी ने अपने हाथ इससे पूछे किसी चीज पे जहर लगाने के बाद। टॉयलेट में पैसेंजर और एयर स्टाफ के अलावा तो कोई और जाता नहीं है, मतलब खूनी इन्हीं में से कोई है। जहर किसके हाथ पे लगा है तो अभी पता चल जाएगा। इसी जिम में से फोन आया था ना रोमा को? यस सर। सर जिम का ही कोई आदमी होगा। कमाल करती हो ताशा तुम भी, ऐसी जिम में औरत का क्या काम? और वैसे भी आदमी और औरत की आवाज में फर्क नहीं है क्या? डॉक्टर सांगके। सांगके का? हाँ सांगके बोलो। प्रद्युमन सांगके, ताशा नहीं प्रद्युमन बोल रहा हूँ, बोलो। दया ने फोन किया था? क्या कहा दया ने? दया ने कहा पायल मर गई। कहा? कैसे? माय गॉड, पर्स में से फिल्म की दो टिकटें भी मिली। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। क्या हुआ सर? पायल का खून हो गया। दया और अभिजीत की आंखों के सामने प्लेन में किसने जहर दिया उसे? सर ये खूनी बहुत ही होशियार है, सीआईडी ऑफिसर से भी नहीं डरा। अरे उसे पता थोड़ी ना होगा कि वो दोनों सीआईडी ऑफिसर है। हमें इस रेनो थिएटर में जाके पता करना होगा कि पायल वहां पर आई थी क्या। क्या पायल थिएटर में गई थी? हाँ फ्रेडी, पायल की पर्स में से दो दो टिकटें मिली है सिनेमा की, रेनोज थिएटर की। कमाल है सर, एक औरत दिन में तीन काम करती है, आज ही आज उसने फिल्म देखी, दिल्ली भी चली गई और मर भी गई। एक काम करो, तुम और ताशा यहाँ इस जिम में पूछताछ करो और मैं और फ्रेडी इस रेनो थिएटर में चलते हैं। हम अपने मेंबर्स का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, जो भी यहाँ से फोन करता है उसका चार्ज हम उसके बिल में लगा देते हैं। जरा फोन रजिस्टर देना। हेलो
सुदीप ने। सुदीप हमारा रेगुलर कस्टमर है, उसी ने फोन किया था। कहाँ है सुदीप? बुलाओ जरा उसे। वो तो घर चला गया। अच्छा, आप सुदीप के बारे में और कुछ बता सकते हैं प्लीज? हाँ, सुदीप और उसके दोस्त में कुछ दिन पहले यहाँ बहुत झगड़ा हुआ था। किस बात पर? एक खूबसूरत औरत के साथ में झगड़ा हुआ था, शायद दोनों से ब्लैकमेल करना चाहते थे। खूबसूरत औरत कौन? विवेक, शायद ये रोमा होगी, संजय की पहली पत्नी। मैं भी एसीपी साहब को बताता हूँ कि रोमा ही हमें इस केस की जड़ तक ले जाएगी। मुझे बुलाए सर, क्या हुआ? जीतू, दोपहर का शो, वो जो कार्टून फिल्म है उसमें तू ही था ना? जी। गुड। इस लड़की को देखो, क्या ये लड़की आज फिल्म देखने आई थी? आई तो थी साहब, देखा था इसे। पक्का याद है ना तुम्हें? हाँ साहब, क्योंकि उस समय थिएटर में बहुत कम लोग थे ना, इसलिए मुझे इसका चेहरा अच्छे से याद है। अच्छा, ये बताओ क्या ये लड़की अकेली आई थी या इसके साथ कोई और भी था? साहब, पहले तो ये अकेली आई थी, बाद में इससे मिलने के लिए एक औरत भी आई थी। फिर दोनों चले गए। साहब, आपस में झगड़ा भी हो रहा था और दूसरी वाली ने पहली वाली को लिफाफा भी दिया था। लिफाफा दिया था? और कुछ याद है तुम्हें? वो जो औरत बाद में आई थी ना साहब, उसने जो ड्रेस पहन रखी थी ना, उसे देख के लगता है कि वो किसी ऑफिस में काम करती है, क्योंकि उसकी ड्रेस पे एक बैच भी लगा हुआ था। बैच? कैसा बैच? वो तो ठीक से देखा नहीं साहब। सर, मुझे तो लगता है वो लड़की व्हाइट पार्क रिसोर्ट में काम करती होगी। अविवेक, ठीक है, देखिए आप सब एक एक करके इस पानी में हाथ डालिए प्लीज। देखिए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, आप लोगों को ये सब करना ही पड़ेगा। जब तक खून की जांच पूरी नहीं हो जाती आप लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे। प्लीज। अरे, दो घंटे के सफर में 50 बार तंग कर चुके हैं आप, कभी ये कर कभी वो कर, क्या है ये? वाकई में आप लोग किसी टेररिस्ट से कम नहीं हो। जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता हम सभी पे शक करेंगे, समझे आप? देखिए प्लीज, आप सब कोऑपरेट कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैडम प्लीज, अपने हाथ डालिए इसमें। मैंने तो उसे बचाने में मदद भी की, आप सबको बुलाया भी, तो फिर मैं क्यों उसे मारूंगी सर? अभी पता चल जाएगा आपने मदद की है या फिर फोन किया है। तो है बॉस कहीं ना कहीं से। इस लड़की का हाथ चेक करो। क्या जहर है? तो इससे जहर गया इसके अंदर, मगर ये जहर इसके हाथों में आए कहां से? कहीं ये जहर उस मैगजीन से तो नहीं? जब मुंह में उंगली लगा के मैगजीन के पन्ने पलट रही थी तभी जहर मैगजीन से इसके हाथ पे आया और अंदर चला गया। पर ये जहर मैगजीन पे किसी ने तो लगाया होगा ना?
मैगजीन में थे। ये कौन सी मैगजीन है सर? सर ये हमारे एयरलाइंस की नहीं है। क्या ये मैगजीन आपके एयरलाइंस की नहीं है? नहीं सर। तो फिर ये मैगजीन यहाँ आई कैसे? सर इनके आने से पहले मैं यहाँ आई थी और ये मैगजीन वहाँ पड़ी हुई थी। मतलब खूनी जानता था कि पायल कहाँ पे बैठने वाली है, इसलिए उसने ये मैगजीन यहाँ पे पहले से ही रख के रख दी। अरे साहब, अरे आप, आपका वजन पहले ही बहुत ज्यादा है, आपको संभल के आना चाहिए था। एक तो मैं गिर गया, ऊपर से बोल रहे हो कि मेरा वजन ज्यादा है। आपको मूर्ति वगैरह कुछ बनवानी है क्या? मूर्ति तो अब मैं तेरी बनाऊंगा। अच्छा, आप भी मूर्ति बनाते हैं? बहुत अच्छा, आइए आइए। तुम यहाँ के मालिक हो या यहाँ पे काम करते हो? देखिए मैं यहाँ का मालिक भी हूँ और यहाँ पे काम भी करता हूँ। सुनो भैया एक बात बताओ, इस नुकीले पत्थर को देखा है कभी? आपको ये कहां से मिला? पहले ये बताओ इस नुकीले पत्थर को तुम्हीं ने बनवाया था ना? कौन हुआ? सीआईडी। ये नुकीला पत्थर एक खोबड़ी में घुसा हुआ था पीछे से, एक आदमी का खून हुआ इससे, समझे? देखिए साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। ये नुकीला पत्थर आपने बनाया था ना? हाँ मैंने बनाया, पर कैसे कह सकते हो कि आपने कुछ नहीं किया? हाँ किसको दिया था ये? देखिए साहब एक औरत आई थी मेरे पास ये बनवाने के लिए। औरत? हाँ साहब, बहुत देर मेरे पास बैठ के मुझे समझाने लगी। साहब मैंने उससे पूछा आप ये किसके लिए बनवा रही हैं? तो क्या बोला उसने? साहब कहने लगी मैं इसकी पूजा करूंगी। साहब आजकल लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं साहब, इसलिए मैं चुप रह गया। तुमने पैसे लिए थे ना उससे? हाँ साहब मैंने पैसे, साहब मेरे पास उस बिल की कॉपी भी है। आइए साहब आइए, साहब एक मिनट। हाँ साहब एक मिनट, साहब ये देखिए, साहब ये रही बिल की कॉपी। ये तो वो है। ये क्या कह रहे हैं आप? आखिर साबित क्या करना चाहते हैं आप? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस सोचा आपसे पूछ ले कि ये सुदीप आपको फोन क्यों करता है। फोन? हाँ फोन, सुदीप। सुदीप कौन? सुदीप? अरे सुदीप। अरे सर कहीं ये सुदीप वही सुदीप तो नहीं है जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, इनसे पैसे ले रहा है? हाँ विवेक, अरे वही सुदीप। तो बताइए ना रोमा जी, ये सुदीप आपको क्यों क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? देखिए मैंने आपको कहा कि मैं किसी सुदीप को नहीं जानती, और ये ब्लैकमेल और फोन कॉल, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे रोमा जी आपकी सेहत तो काफी अच्छी है। देखिए जरा तमीज से बात कीजिए। जिम जाती है ना आप? जिम? हाँ जिम। रोमा जी तीन चार लोगों ने आपको जिम में देखा है, सुदीप से मिलते हुए, सुदीप को पैसे देते हुए, और आपके टेलीफोन के रिकॉर्ड्स में तो सुदीप का नाम भी है और फिर वो लोग भी। आपका बचना जरा मुश्किल है रोमा जी, तो बताइए क्यों क्यों दिए थे पैसे आपने सुदीप को? हाँ मैं सुदीप से मिली थी और मैंने उसे पैसे दिए थे। पर क्यों? बस ऐसे ही। सर इस बिल में उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जिसने वो नुकीला पत्थर बनवाने की ऑर्डर दी थी, जिससे संजय का खून हुआ था। रोमा जी आप जिम जाती है, सुदीप से मिलती है, सुदीप को पैसे देती है, और अब ये बिल जो हमारे इस होनहार ऑफिसर ने ढूंढ के निकाला, ये बिल साबित करता है कि आप पत्थर बनवाने का भी ऑर्डर देती है। पत्थर? जी हाँ पत्थर, नुकीला पत्थर जो संजय के सिर में लगा और उसकी मौत हो गई, वो पत्थर। ये देखिए इस बिल पर आपके हस्ताक्षर भी हैं, सिग्नेचर। बताओ बताओ।
क्यों बनवाया था वो पत्थर? क्योंकि क्योंकि मैं संजय को मरवाना चाहती थी। मरवाना चाहती थी मतलब? मरवाया नहीं? नहीं। फिर झूठ। नहीं मैं सच कह रही हूँ। कमाल की औरत है सर, मरवाने का हथियार बनवाया, संजय का खून भी हो गया और कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ कि मैंने खून नहीं करवाया। ये बात सच है कि मैंने पत्थर जरूर बनवाया था और सुदीप को दिया भी था संजय को मारने के लिए, क्योंकि वो सुपारी लेकर खून करता है। लेकिन फिर मैंने उसे बाद में मना कर दिया था। क्यों क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। मैं सच कह रही हूं, मैंने खून नहीं करवाया है उसका। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, इसे अपने साथ ब्यूरो ले चलो और सुदीप और उसके साथियों का स्केच बनवाओ इससे। यस सर। हम लोग व्हाइट पार्क रिसोर्ट चलते हैं। सुनो, 5,000 एक बार लिए, 2,000 एक बार लिए और अभी 2,500। जी ठीक है जी। सीआईडी फिर से यहाँ पे? एसीपी प्रद्युमन बोलिए सर, पायल मिल गई क्या? हाँ मिल गई। तो कहाँ है सर वो? ऊपर गई वो, ऊपर। ऊपर मतलब वो मौत हो गई उसकी, खून कर दिया किसी ने उसका, फ्लाइट में, प्लेन के अंदर, समझे? पर सर पायल को कौन मारेगा? तुम लोगों में से ही किसी का हाथ है, समझे? ऑफिसर ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बताइए, दोपहर से पहले आपके यहाँ काम करने वाली कोई औरत यहाँ से बाहर गई थी क्या? औरत क्यों मैम? यहाँ से कोई पायल से मिलने गया था। ये आप कैसे कह सकती है मैडम? अरे उसने आपके रिसोर्ट की ड्रेस पहनी हुई थी, समझे? क्या? एक्सक्यूज मी, ये कहाँ चला गया? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो हमारी हाउसकीपिंग मैनेजर ईशिका, वो आज सुबह छुट्टी पर ही गई है, कह रही थी कि उसके घर में कुछ हो गया है इसलिए उसको छुट्टी चाहिए। ये सब आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? सर वो उस वक्त ध्यान में नहीं आया था। ये ईशिका जरूर उसी फ्लाइट पर है जिसमें पायल है। अरे ये कैसा नंबर है सर, इससे पहले तो कभी नहीं आया था यार। हेलो 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 फ्रेडी, फ्रेडी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ एसीपी साहब है साथ में, जरा बात करा मैं। हाँ सर, सर संजय और पायल का खूनी यहीं पे है सर, इसी फ्लाइट में। क्या? ठीक है सर, ओके। हाँ सर ये फ्लाइट आधे घंटे में लैंड कर जाएगी सर। ओके सर, या थैंक यू। क्या दया, क्या हुआ, क्या बात है? इस विषय बता रहे थे कि पायल किसी ईशिका नाम की लड़की के साथ मिली थी एयरपोर्ट जाने से पहले, और ये ईशिका भी प्लेन में जाने वाली थी। प्लेन में जाने वाली थी? ईशिका, यहाँ पे ईशिका किसका नाम है? ईशिका कौन है यहाँ पे? लगता है खूनी नाम बदल के सफर कर रही है, वैसे तो ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं, बहुत आसान है। तो कैसे? ये देखो, ये जो लाल रंग है ना, ये नेल पॉलिश है, खून नहीं। खून होता तो पानी डालने से फैलता ना, मगर ये फैला नहीं। तो फिर यहाँ पे जितनी औरतें हैं उन सबके हाथ चेक करते हैं, पता चल जाएगा। या जितनी भी औरतें हैं उन सबके हाथ चेक करने होंगे, प्लीज कॉपरेट कीजिए। हाथ दिखाइए प्लीज, हाथ दिखाइए, फुटे आप दिखाइए, उल्टा आप। दूर ही रहना मुझसे, नहीं तो मार दूंगी इसे। अच्छा, तो तुम हो मास्टरमाइंड। देखो ईशिका, पागल मत बनो, समझी? यहाँ से बच के जाना मुश्किल है तुम्हारा, इसलिए भला इसी में है, चुपचाप इसे छोड़ दो। खबरदार, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। ईशिका,
कहीं भी चली जाओ तुम बच नहीं सकती। तुम इस प्लेन से बाहर कूद तो नहीं सकती ना? हाँ, ये प्लेन अभी आधे घंटे में लैंड होने वाला है और उतरते ही तुम गिरफ्तार हो जाओगे। देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे इशिका, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो इशिका, जाने दो इसे, प्लीज इशिका छोड़ दो इसे, छोड़ो इशिका। I'm sorry, गलती हो गई मुझसे। लालच में आकर फाइल को मारने के लिए प्लेन में चली गई थी। गलती हुई है तभी तो पकड़ा है तुम्हें। रोने देने से कोई फायदा नहीं है, समझे? ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। लालच, हाँ? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, दोबारा कभी नहीं करूंगी। देखो शिका, तुमने खून किया है, इसे छोड़ा तो जा नहीं सकता। देखो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ, समझे? इसलिए बेहतर होगा हमारे गैंग के जो बाकी मेंबर हैं उन्हें पकड़वाने में हमारी मदद करो, समझे? चुपचाप बता दो सुदीप और बाकी के साथी कहाँ मिलने वाले हैं। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा तुम्हें, समझी? ये जो आदमी खड़ा है तो जाना पहचाना नहीं लग रहा है। तो वही है संजय की लाश के पास में था रिसोर्ट में, संजय के लिए काम करता है। ये यहाँ क्या कर रहा है दिल्ली में? इसी से पूछ लेते क्या कर रहे हैं आप। भाई साहब सुनिए, हेलो, यहाँ यहाँ पीछे, हेलो पीछे पीछे। ये पोडियम की ऊंचाई भी इन्हीं लोगों ने ऊपर की है। अरे सीआईडी, आप लोग यहाँ कैसे? सर मेरा मतलब है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो संजय सर के कातिल का कुछ पता चला? उसी का पता लगाने यहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे? मुझे है एक जरूरी काम था इसीलिए मैं यहाँ। ऐसा क्या जरूरी काम है जो बॉस की लाश को छोड़ के यहाँ आना पड़ा? नहीं वो एक्चुअली संजय सर की यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस डील थी। अब आप लोग तो जानते हैं वो अब नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि कंपनी की तरफ से मैं ही उन लोगों से मिल लूं। उसे ने फोटो भेजी है। हाँ सर फोटो मिल गई और खूनी भी मिल गया सर। हाँ सर, ओके ओके। क्या कह रहे थे सर? कह रहे थे कि खूनी की तस्वीर भेज रहा हूँ। और अक्षय जानते हो कौन है वो? नहीं सर, तो कौन है वो? बहुत जल्दी में हो है? चलो पहले एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दो तुमको, फिर देखता हूँ उसे। जल्दी वो भाग नहीं सकता बॉस, यही कहीं होना चाहिए।
अभिजीत जूते। फेस बदल के कब तक भागेगा? मैंने ही मारा था संजय को, मैंने ही मारा था। संजय मेरा सौतेला भाई था, लेकिन उसने मुझे एक नौकर की तरह रखा हुआ था और मैंने ही अपने मन में सोच लिया था कि इतने एक दिन उससे बदला जरूर लूंगा। बदला क्या मिला? पकड़े गए ना तुम? हाँ। संजय की पहली पत्नी रोमा, उसको मालूम था? हाँ। तो वो जानती थी, वो भी संजय को मारना चाहती थी, मगर बेवकूफ औरत, आखिरी वक्त पर उसने अपना इरादा बदल दिया। पायल को किसने मरवाया? हमें लगा था कि पायल पुलिस के सामने एक ना एक दिन अपना मुंह खोल देगी, इसलिए हमने उसे मार दिया। लेकिन तुमने संजय को मार कर ही छोड़ा। दो दो खून किए तुम लोगों ने, और तुम्हारा चौथा साथी सुदीप वो मुंबई में पकड़ा जा चुका है। अब तुम चारों को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.